एक बार मैं आपको पाव भाजी दिखाता हूँ, एक बार फिर से आप देखो, देख रहे हो आप अमूल बटर, देखो आप तैर रहा है, मतलब बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ है अमूल बटर का इसके ऊपर। और ये देखो आप पनीर, मतलब मज़ा आ गया, मतलब ये समझ लो ये मज़ा तो हम देश की सारी जनता को देना चाहते हैं, ऐसा मज़ा है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप तो मुझे देख ही रहे हो यार, एकदम फिट फाइन। और आज टेस्टी इंडिया के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ मालवीय नगर। जी हाँ, आज हम आए मालवीय नगर की मेन मार्केट और यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं काफ़ी सारा डिलीशियस फूड। जैसे आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि मेरे पीछे एक चाट भंडार, और इस चाट भंडार का नाम है श्री राम चाट। चलिए यहाँ पे टेस्ट करते हैं इनके काफ़ी सारी जो चाट के आइटम्स हैं वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ की लोकेशन और समझा देता हूँ। यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने जो है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है, और इस चाट भंडार के बराबर में भी एयरटेल का जो है ऑफिस है। तो चलो अब टेस्ट करते हैं यहाँ का फूड, और टेस्ट करने से पहले एक बार बात करते हैं यहाँ के ओनर से और मालूम करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फूड वो सर्व कर रहे हैं। मेरे मुँह में तो यार बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है गोलगप्पों के बारे में सोच के और देख के। तो आप वीडियो में बने रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपके मुँह में भी बहुत ज़्यादा पानी आने वाला है। तो आ जाइए। चलिए बात करते हैं पहले यहाँ के ओनर से और मालूम करते हैं कि कितनी पुरानी इनकी ये आउटलेट है और क्या क्या फूड ये सर्व कर रहे हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्यारेलाल यादव। अच्छा, प्यारेलाल यादव। और ये जो आपके इसका चाट भंडार है इसका नाम क्या है? इसका श्री राम चाट भंडार। अच्छा, और कितना टाइम हो गया इसको? 91 से है गाइज ये, तो मतलब 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज आप बताइए हमें क्या टेस्ट करा रहे हैं आप जो चाहेंगे वो टेस्ट होगा, आपकी दुकान है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। चलिए सर, ने तो बोल दिया हमारी दुकान है, मतलब इतने प्यार से सर बात कर रहे हैं ना। तो ये जो प्यार जो है ना, ये भी एक हम जैसे कस्टमर्स को लेकर आता है शॉप पर, तो वो भी मतलब खाना, एक तो खाना सर्व कर रहे हैं ऊपर से इतने प्यार से ये खिला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब मैं लगवाता हूँ अपने लिए, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, सोच रहा हूँ क्या क्या लगवाया जाए, काफ़ी सारा फूड आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब हम फूड की प्रिपरेशन आपको पहले दिखाते हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। हमारे साथ हैं अभी किशन भैया, ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या फूड सर्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना चेहरा दिखा दो यार। तो गाइस आपने देख लिया ये नूरानी चेहरा, अब चलो लगा लीजिए मास्क फिर से। और अब मैं देखता हूँ और पूछते हैं इनसे कि क्या क्या चाट में क्या क्या आइटम अवेलेबल है इनके पास। तो किशन भैया बताइए ये क्या है? पहले तो ये है भल्ला पापड़ी। अच्छा, ये भल्ला पापड़ी है? ये भल्ला है, ये पापड़ी। अच्छा, ये पापड़ी है, ठीक है। और ये साथ में जो नज़र आ रहा है हमें, सॉल्ट, इसे सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, इमली की चटनी जी है ना, खटाई की, अमचूर, अमचूर की चटनी। ये आपका दही, भैंस के दूध का दही, थोड़ा सा चला के दिखाओगे आप? ओके गाइस, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गाढ़ा दही है, और भैंस के दूध का दही इन्होंने बताया है। ये क्या है? ये आपकी हरी चटनी है, पुदीने की हरी चटनी है। अच्छा, इसको भी दिखाओगे ज़रा? अच्छा, पुदीने और हरे धनिए की चटनी है जी। अच्छा, दिखाओ इसको ज़रा। ओके गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है जी थिक लग रही है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट काफ़ी क्वालिटी है। तो भैया ये तो हो गए गोलगप्पे, मैंने देखा है कि यहाँ पे टिक्की भी बन रही है, और काफ़ी बड़े साइज़ की टिक्की है, तो उसमें क्या क्या फिलिंग होती है और कैसे बनती है, कुछ बताओ आप। उसमें सर दाल की फिलिंग होती है। अच्छा, उसके अंदर काजू है, पिस्ता है, बादाम है, और आपका ये पनीर भी डलता है उसमें। अरे वाह, मतलब गाइस ये तो ड्राई फ्रूट वाली टिक्की होने वाली है। ये है हमारी टिक्की की फिलिंग, जैसे आप देख रहे हो, और इसमें जैसे उन्होंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स हैं, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो काजू आपको नज़र आ रहा है ना, काजू, और कितना सारा पनीर है इसमें यार। टिक्की की आलू है, ठीक है, उबला हुआ आलू है, उबला हुआ। ओके, टिक्की बनती है इससे, और टिक्की के अंदर ये जाता है। ओके गाइस, और साथ में ये है इनकी चटनी, इस चटनी के अंदर क्या क्या है? केला है, अनार है। अच्छा, अमचूर की चटनी है, अंदर केला है, अनार है, अनार है, अमचूर की चटनी है, अमचूर। अच्छा, ओके गाइस, देख रहे हो ना, देख के यार मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। ये देख रहे हो आप, गर्मा गर्म भाजी बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी वैरायटी का मिल जाता है चाट,
ठीक है। और ये पाव भाजी में ये जाती है प्याज? हाँ जी, ये सलाद अच्छा, है मूली और प्याज। अच्छा, मूली और प्याज की सलाद है। और ये आपका बन है, पाव है? अच्छा, भाजी के लिए। ओके भाई, देख सकते हो ये हमारा पाव कट गया। एक बार आप बना के दिखा दो कैसे बनाते हैं। अमूल का बटर यूज़ करा है आपने? अमूल का। अच्छा गाइस, तो ये अमूल का बटर हो गया है और ये हमने लगा दिया है इस पर पाव। और ये है थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है, पैक कर रहे हो आप? जी, पैकिंग का हो रहा है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो हाइजीन का भी ख्याल रखा जा रहा है, ग्लव्स पहन रखे हैं प्रॉपर। और ये हो गई है इसकी सलाद रेडी। ओके, और आप आई थिंक इसमें डालेंगे ये ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, अच्छा। तो देख सकते हो यार, सबका अलग अलग पैकिंग है। और हाइजीन का मैं फिर से बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। भाजी में क्या क्या डाला है भैया आपने? ये सर मटर है, हरी पनीर है, हाँ हाँ, और सब्जियाँ होती हैं। अच्छा, और गाइस मैं बताना दिखाना चाहूँगा आपको एक बार, काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही है। और ये डाला है इन्होंने इनका स्पेशल मसाला, बटर है अमूल का, और अमूल का बटर। अरे वाह, तो ये डल गया है अमूल का बटर और ये हो गई है पैकिंग रेडी। तो बताना चाहूँगा अगर आप यार ऑर्डर भी कर सकते हो जोमेटो और स्विगी पे भी। जोमेटो पे है ये, हाँ, लेकिन मैं तो बोला जाऊँगा यार अगर आप आसपास मालवी नगर में रहते हो ना, या आसपास रहते हो तो आप आके खाओ, तो जो मज़ा आएगा ना यार वो कहाँ ऑनलाइन ऑर्डर में मज़ा है, मुझे तो यही लगता है। आप बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। बन रही है हमारी टिक्की और देख रहे हैं आप कि इसके अंदर, अरे वाह, ये देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा फिलिंग करी है इन्होंने टिक्की के अंदर। और ये भैया ने बना दी टिक्की। तो अब आ गई है हमारी आलू टिक्की चाट। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और ये दो टिक्की दिए इन्होंने हमें, और देखो कितना ज़्यादा यार अनार के दाने, देखो आप। साथ में ये है इनका बीट रूट, जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं। और ये है आलू टिक्की और काफ़ी सारा दही और हरी मिर्च की चटनी। तो चलो यार, मेरे तो देख के मुँह में पानी आ रहा है, इसको भी मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। और ये ली मैंने टिक्की, और इसको खाने के लिए भी ना आपको यहीं आना पड़ेगा जब तक मैं खा लेता हूँ। मतलब मज़ा आ गया, मतलब ये समझ लो ये मज़ा तो हम देश की सारी जनता को देना चाहते हैं, ऐसा मज़ा है। चलो थोड़ा सा और खाता हूँ मैं इसको। और ये देख रहे हो आप, इस पर पनीर भी है यार, और अंदर भी इसकी आपने देखे यार पनीर की फिलिंग है काफ़ी अच्छी, और चटपटी तो बहुत अच्छी है, अनार का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। वाह, एकदम चटकारे वाला टेस्ट है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है कि मैं सही बता सकता हूँ कि आज से पहले मैंने इतनी ज़्यादा टेस्टी टिक्की ना नहीं खाई है, वाकई में नहीं खाई है। तो अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे, तो ये टिक्की तो टेस्ट करना ज़रूरी बनता है, मतलब इसको तो आप ज़रूर टेस्ट करो। तो चलो इसको भी फिनिश करते हैं और चलते हैं हम अपने दूसरे फूड के पास। आप देख सकते हो कि हमारी पाव भाजी की प्लेट आ गई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम पाव भाजी में क्या क्या मिला है हमें। तो ये देखो यार, और ये देखो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये आपको आवाज़ तो आई डोंट थिंक सो आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और अमूल बटर में ये प्रॉपर फ्राई करा गया है ना, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है पाव। और साथ में ये तो देते हैं, ये हरी मिर्च की चटनी है इनकी जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये है प्याज और मूली, और साथ में है नींबू। तो चलो सबसे पहले तो हम ना इस पर निचोड़ते हैं थोड़ा सा नींबू, क्योंकि यार नींबू निचोड़ के जो मज़ा आता है ना, नींबू जैसा टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चलो हमने निचोड़ दिया नींबू। एक बार मैं आपको पाव भाजी दिखाता हूँ, एक बार फिर से आप देखो, देख रहे हो आप अमूल बटर देखो आप तैर रहा है, मतलब बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ है अमूल बटर का इसके ऊपर। और ये देखो आप पनीर, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस। अब चलो इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा पाव, और ये करा मैंने इसको डिप, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको और बताना चाहूँगा अगर आपको खाना है ना, तो यार आप यहाँ आ सकते हो और देखो एक बार यार, एक बार आप इसका कलर देखो, अमूल बटर और पनीर और ये काफ़ी सारी वेजिटेबल जो है इनके भाजी में। तो ये देखो आप, और चलो अब मैं इसको खा लेता हूँ। दिल कर रहा है ना आपका भी खाने का, तो अगर आपको खाना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा जब तक मैं खा लेता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है विद गूगल मैप, आप उसको देख के फॉलो करके आ सकते हो जब तक मैं खा लेता हूँ। वाह, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है अमूल बटर का टेस्ट, और पाव में जो ये जो भाजी का टेस्ट है
और पाव की जो क्रिस्पीनेस है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। चलो एक बार मैं इनकी भाजी जो है ऐसे ही टेस्ट करता हूँ। थिकनेस देख रहे हो यार, मतलब मज़ा ही आ जाए। और ऊपर जो इन्होंने इनका स्पेशल मसाला डाला है इससे और ज़्यादा चार चांद लग गए हैं मतलब टेस्ट में। और चलो उसको टेस्ट करते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा है। आई होप यार मेरी ज़बान ना जले। चलो टेस्ट करते हैं, बहुत गर्म है। लाजवाब, मतलब आप ये समझ लो यार, अभी कोरोना चल रहा है, मुंबई जा नहीं सकते आप, तो आप मालवीय नगर में दिल्ली में ही आपको मुंबई का मज़ा मिल जाएगा, ऐसी पाव भाजी मिल रही है। चलो इसको थोड़ा और टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार है। इनकी एक बार ग्रीन चटनी को भी टेस्ट करता हूँ मैं। तो हम डिप करेंगे, थोड़ा सा हमने पाव लिया है और ये हमने डिप करा है इनकी ग्रीन चटनी में, और लगाई है इस पर काफ़ी सारी भाजी। देख रहे हो ना आप, काफ़ी सारा पनीर है इसमें और काफ़ी सारी भाजी, और साथ में है ग्रीन चटनी, और इसको भी मैं ही खाऊंगा। वाह भाई, मज़ा ही आ गया। चलो भाई इसको तो करता हूँ मैं फिनिश, और भी हमारा फूड आने वाला है तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। ये भल्ले पापड़ी बन रही है ना, आप सोच रहे हो यार मैं कितना खा रहा हूँ भाई, फूड ही इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि खाना ही पड़ेगा यार। तो अब हमारा लग गया है ये भल्ला पापड़ी। एक बार मैं आपको इसका क्लोजअप शॉट दिखाता हूँ, देख रहे हो आप ये पापड़ी। और एक बात बताना चाहूँगा, इनकी पापड़ी ना थोड़ी थिक है, जैसे मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ। तो थिक पापड़ी है और गार्निश बहुत अच्छी तरह कर रखा है इन्होंने, गार्निश बहुत अच्छी तरह कर रहा है। अनार डाला है वैसे ही जैसे टिक्की पर डाला था, और अदरक है, और ये बीट रूट है, चुकंदर, और ये रहा इनका भल्ला। मुँह में आ रहा है मेरे बहुत ज़्यादा पानी। और ये देखो आप भल्ले की क्वालिटी देखो आप, कितना सॉफ्ट है और कितनी सही क्वालिटी है। तो चलो आप टेस्ट करते हैं इसको, इससे पहले कि मेरे मुंह में पानी और ज़्यादा है इसको टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और इसको खाने के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा जब तक मैं खा लेता हूँ। देख रहे हो ना आप, चलो खा लेता हूँ। एकदम ठंडी है यार ये, तो ठंडी ठंडी है भल्ला पापड़ी, खाने में ना अलग ही मज़ा आ रहा है। टिक्की तो हमने खाई थी गर्मा गर्म, ये है ठंडी, तो इसका भी मज़ा बहुत अच्छा है। चलो अब इनकी पापड़ी खाते हैं और देखते हैं कि पापड़ी का टेस्ट कैसा है। पापड़ी के टेस्ट में जैसे मट्ठी होती है ना, उस टाइप का टेस्ट है। इसमें अजवाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, नमक भी काफ़ी अच्छी मकदार में है, तो उससे नमक से भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब इनका पापड़ी और भल्ला साथ में, तो एक हो जाए बड़ी बाइट, हो जाए ना, क्या कहते हो आप, हो जाए यार। तो भाई ये रखा हमने पापड़ी पे भल्ला, और ये लिया हमने एक बड़ी बाइट, जी हाँ। और लाजवाब, बहुत ज़्यादा यमी है, मतलब बहुत यमी है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। आपको आना पड़ेगा जब आप खुद खाओगे ना यहाँ पे आके, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में कितनी ज़्यादा यमी है। तो चलो इसको फिनिश करते हैं, अभी हमारा और भी फूड आ रहा है। आप बने रहो वीडियो में। अब ये लग रहे हैं हमारे भरवा गोलगप्पे। ये डाल दिया इन्होंने इनका स्पेशल जो मसाला है चाट मसाला, वो डाला है, थोड़ा सा डाल दिया इन्होंने नमक, और ये क्या है, गरम मसाला, हाँ मिर्ची, अच्छा मिर्च है ये, ओके, सौंठ वाली चटनी है ना वो डल रही है, और साथ में डला है इनका दही। अरे वाह, इसको देख के यार मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो बहुत ज़्यादा। और ये हो गया पूरी तरह, अच्छी तरह गार्निश कर दिया इन्होंने, और ये ग्रीन चटनी भी डल गई है इस पर। अरे वाह भाई, दही तो एकदम, मतलब गोलगप्पे ने एकदम डुबकी लगा ली है दही में, इतना ज़्यादा दही है। तो भाई ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी खा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हमने मंगा लिए हैं इनके ये जो हैं भरवा गोलगप्पे। एक बार मैं दिखाऊंगा आपको क्लोजअप शॉट, ये देखो ये इनके भरवा गोलगप्पे। इसको आप राज कचौरी कह सकते हो, छोटी वाली राज कचौरी। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं आप, देखने में ये भी बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं, और इसको खाने के लिए भी ना आपको यहीं आना पड़ेगा जब तक मैं खा लेता हूँ।
लाजवाब, मतलब मज़ा ही आ गया। ठंडे गोलगप्पे हैं ये, और इसमें दही का टेस्ट, इसके अंदर जो इन्होंने आलू की फिलिंग करी है उसका टेस्ट, साथ में अनार और अदरक, और साथ में चुकंदर जो है इसका टेस्ट, और दही और हरी मिर्च की चटनी, वो लाल मिर्च की चटनी, मतलब इतना सब कुछ डाला है ना इन्होंने, और ऊपर से इन्होंने जो मसाले डाले हैं उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है यार, मज़ेदार है। चलो उसको भी फिनिश करते हैं और फिर हम खाएंगे हमारा फाइनल फूड जो है गोलगप्पे। गोलगप्पे टेस्ट करने से पहले बात करेंगे भैया से, यही यहाँ पे गोलगप्पे सर्व करते हैं। भैया सबसे पहले तो आप चेहरा दिखा दो अपना। अच्छा लो जी। देख लो सर का आप नूरानी चेहरा देख लो आप। ठीक है सर, नाम बताओ अपना। नेमपाल यादव। हाँ क्या? नेमपाल यादव। अच्छा, तो मिस्टर यादव आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जहाँ हो गए कम से कम 30 साल की लगभग हो चुके हैं। 30 साल इनको भी हो गए हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस है गोलगप्पे का। और गोलगप्पे में क्या कैसे कैसे गोलगप्पे हैं आपके पास? गोलगप्पे आटे का भी है, सूजी का भी है। सूजी का भी, आटे का भी है। हाँ जी। आज से आप लग रहे हो आई थिंक यहाँ के, दिल्ली के तो नहीं लग रहे आप? नहीं, मैंने पंजाबी रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा मोटे मोटे दिन पंजाबी रहा हूँ मैं। ओके, तो मतलब ऐसे गोलगप्पे लगाते हो कि खाते के साथ ही भंगड़ा करने का दिल कर जाए। हाँ जी, हाँ जी, एकदम बेस्ट क्वालिटी है हमारी। ठीक है, चलिए आप लगाइए हमारे लिए गोलगप्पे। हाँ, पहले आप लगाइए हमारे लिए सूजी का गोलगप्पे। ओके जी, भाई सबसे पहले मैं सूजी का गोलगप्पे लगवाता हूँ और उसके बाद हम आटे वाला भी टेस्ट करेंगे। हाँ जी, लगाइए आप। पहला तो आप मीठा लगा दीजिए, थोड़ा सा मीठा भी टेस्ट कर लेते हैं ना यार। और देख लो यार आप एक बार गोलगप्पा, और बस खा लेता हूँ मैं कि इससे पहले सौगी हो जाए खा लिया जाए, और इसको खाने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं खा लेता हूँ। अच्छा है गोलगप्पे का टेस्ट, काफ़ी अच्छा है और ठीक है, काफ़ी गोलगप्पा, ये अच्छी बात है कि जो इनका सूजी का गोलगप्पा है काफ़ी थिक है और पानी का टेस्ट भी अच्छा आ रहा है काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और चटपटा होना पानी तो और मज़ा आ जाएगा। अब आप आटे वाला लगाइए। ओके, ये चटपटा है। ये देखो अब हमने करवा लिया चटपटा मसाले के साथ एकदम। और ये रहा हमारा आटे वाला, और साइज़ देखो आप गोलगप्पे का एक बार, है ना, साइज़ भी काफ़ी सही है यार गोलगप्पे का। तो चलो इसको भी खा लेते हैं, ये भी काफ़ी क्रिस्पी है। और अब हमने मसाले वाला लगवाया तो ये और ज़्यादा तीखा हो गया, और वाकई में इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो गया है। मैं थोड़ा सा पानी और पीऊँगा, पानी दीजिए भैया। तो भाई ये ले लिया हमने पानी, इस पर थोड़ी सी मीठी चटनी डालता हूँ भैया। ये बात, ये डल गई इसके अंदर मीठी चटनी, अब खाते हैं, अब पीते हैं इसको, खाते कह रहा हूँ। मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी मज़ेदार है। मतलब ये समझ लो आज यार इतना खा लिया है अंकल ने, इतना खिला दिया ना यहाँ पे कि यहाँ तक भर गया हूँ मैं, लेकिन पेट भर गया है लेकिन दिल नहीं भरा है क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा है। तो चलो भाई इसको मैं फिनिश करता हूँ, मैं आपको मिलूँगा जल्दी किसी और नई वीडियो में। और अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने वीडियो देख लिया तो यार यहाँ पे भी आओ, आप टेस्ट करो फूड, आई एम श्योर आप निराश नहीं होगे फूड से, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। मैं मिलूँगा आपको जल्दी किसी और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से कौन सा फूड सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है और सबसे ज़्यादा पसंद है। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।